hello guys i hope you all will be fit and fine welcome all of you literary Word youtube channel today we are gonna to discuss names of meals and what kind of articles are used with name of meals and what kind of prepositions are used with names of meals so stay with me till end of the video let's start now so subhsepalam breakfast se ब्रेकफास्ट जो है आलमोस्ट सिक्स एम से लेकर नाइन एम के बीच में जिस टाइम भी आ, मील और फूड सर्व किया जाता है टेकिंग किया जाता है तो हम उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं जिसको उर्दू में हम नाश्ता कहते हैं और नौ बजे के बाद ग्यारह बजे तक जो लेट ब्रेकफास्ट होता है तो उसको इंग्लिश में ब्रंच किया जाता है ब्रंच ब्रेकफास्ट एंड लंच से कम्बिनेशन uh, से एक ये वर्ड बना है जिसको हम ब्रंच कहते हैं और फिर बारह बजे से दो बजे तक या ढाई या तीन बजे तक ऑलमोस्ट जो मील आ, सर्व किया जाता है उसको लंच कहा जाता है यानी दोपहर का खाना और फिर तीन बजे से पाँच बजे तक आ, लंच के बाद आ, जो लाइट आ, फूड मील सर्व किया जाता है उसको हम सपर कहते हैं और नाइट रात को छः बजे से लेकर दस बजे तक जो फ़ूड और मील सर्व किया जाता है उसको हम डिनर कहते हैं सो दीज आर कॉमन वेरी इम्पोर्टेंट टाइम नेम्स ऑफ मील्स दैट टेकिनट इन द कंट्रीज ऑफ एशिया अब हम देखते हैं कि विद नेम्स ऑफ मील के साथ कौन से प्रेपोजन यूज़ होते हैं और कौन से आर्टिकल यूज़ होते हैं सो so, सबसे पहले हम प्रेपोजन शुरू करते हैं तो ये आप याद रख लें कि ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच सपर या डिनर इनमें से कोई भी हो तो अगर हम मील uh, की बात कर, करते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट में खाने के खाने में क्या है तो उसके लिए फिर हम फार को यूज़ करते हैं सो so, आप कह सकते हैं कि आई हैव एग एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट और अगर कोई किसी ने आपको ब्रेकफास्ट में इनवाइट किया है तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन इनवाइटेड एट ब्रेकफास्ट या माय फ्रेंड इनवाइटेड मी एट ब्रेकफास्ट माय फ्रेंड इनवाइटेड मी एट ब्रंच एट लंच एट सपर एट डिनर अगर कोई आपसे पूछे वाट डू यू हैव फार ब्रेकफास फार ब्रंच फ़ार लंच फार सप्पर फार डिनर सो यू कैन से आप कह सकते हैं आई हैव राइस एंड फिश फॉर डिनर आई हैव राइस चिकन और एनी अदर फूड फॉर ब्रंच लंच और सप्पर तो फार यूज करते हैं जब यू आर मैंशनिंग अबाउट टाइप ऑफ फूड यू हैव और एड हम यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम एट ब्रेकफास्ट मीन ब्रेकफास्ट पे ब्रंच ब्रंच पे लंच पे सपर पे एंड डिनर पे अब हम देखेंगे आर्टिकल कौन सा यूज़ होता है सो इन इंग्लिश ग्रामर विद नेम्स ऑफ मील्स कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता यानी नो आर्टिकल इज़ यूज अगर आप किसी के भी साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा Uh, uh, अगर वो जनरल वे में आप यूज़ कर रहे हैं सो यू डोंट से आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव आई हैव बटर आई हैव एग इन द ब्रेकफास्ट या आई ऑलवेज टेक मिल्क इन द ब्रेकफास्ट मीन्स आप द यूज़ नहीं कर सकते तो ब्रेकफास्ट हो ब्रंच हो लंच हो सपर डिनर इन्हीं में से किसी के साथ भी आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना है एक्सेप्ट के जब आप इसको पार्टिकुलर वे में यूज़ कर रहे हों फॉर एग्ज़ाम्पल द ब्रेकफास्ट वॉज वेरी डिलीशियस दैट यू अफर्ड मी तो अब हमने पार्टी ब्रेकफास्ट uh, को किसी एक शख्स ने जो आपको इनवाइट किया था उसको आप पार्टिकुलर वे में जब आप इसको किसी से भी यूज़ करेंगे तो फिर आप द यूज़ कर सकते हैं द सपर आई हैड यस्टरडे द लंच दैट यू अफर्ड मी द ब्रच दैट वी हैड यस्टर डे सो अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच सपर डिनर के बारे में टा कर रहे हैं तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं द अदरवाइज नो आर्टिकल बी यूज अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल्स को देख देख लेते हैं आई ऑलवेज ईट एग्स एट ब्रेकफास्ट अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट को एज ए जनरल वे में यूज़ कर रहे हैं तो हम नो आर्टिकल यूज करेंगे यानी हमने यहाँ पे कोई भी एन द आर्टिकल यूज़ नहीं किया मगर सेकंड सेंटेंस में द ब्रेकफास्ट द ब्रेकफास्ट दैट वी टुक यस्टरडे वाज हैवी तो यहाँ पे जो हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट मीन्स दैट वी दैट वी टेक यस्टरडे जो हमने कल खाया था तो उसके साथ हम द यूज़ कर सकते हैं वन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ मील अदरवाइज़ यू यू वॉन्ट यूज़ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल विद ने तो आइज़ पहले हमने नीम ऑफ मील के साथ यूज़ ऑफ़ प्रपोजिशन एंड यूज़ ऑफ़ आर्टिकल को लर्न किया है और अभी इस वक्त हम uh, जो टाइम्स ऑफ डे आर नेम और पार्ट्स ऑफ डे जो हैं उसके साथ हम देखते हैं कि कौन से प्रीपोजिशंस और कौन से आर्टिकल्स यूज़ होते हैं सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉर्निंग से तो मॉर्निंग के साथ इन यूज़ होता है इन और उसके साथ द प्रीपोजिशन यूज होता है तो हम यूज़ कर सकते हैं इन द मॉर्निंग ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और नून के साथ एड यूज़ होता है तो उसके साथ नो आर्टिकल यूज़ होता है तो अगर हम इस पर सिंपल ट्रिक की बात करें कि जिस भी टाइम्स ऑफ डे के साथ एट बाय और बिफोर इन तीनों में से कोई भी एक रिपोलशन यूज़ होगा तो फिर नो आर्टिकल यानी इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा और अगर विद नेम्स ऑफ पार ऑफ डे में एन ड्यूरिंग और कोई भी एक ऑब्जेक्टिव यूज़ हो तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं अब देखते हैं कि मॉर्निंग के साथ इन यूज़ होता है इवनिंग के साथ इन यूज़ होता है और बाकी नून के साथ एट नाइट के साथ एट मिडनाइट के साथ एट और आफ्टरनून के साथ हम प्रेपरेशन एट यूज़ करते हैं अब देखें जिसके साथ हमने एट यूज़ किया है एट नून तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा एट नाइट तो उसके साथ भी को भी आर्ट, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा एट मिडनाइट तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा और एट आफ्टरनून तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा <coughs> अगर हम नून का कोई सेंटेंस बनाते हैं कि ही ही हीज़ आफर प्रेयर एट नून या हम एट द नून नहीं लिख सकते अगर हम उसके द यूज़ करेंगे तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी इसी के द सेम वे एट नाइट को हम अगर हम एट के साथ नाइट यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई ऑलवेज यूज़ आर आई ऑलवेज प्ले गेम्स एट नाइट तो फिर हम एट द नाइट यूज़ नहीं करेंगे द सेम वे एट मिड नाइट अगर हम यूज़ कर करते हैं कि ही ऑलवेज गेट्स अप एट मिड नाइट तो हम एट द मिड नाइट यूज़ नहीं करेंगे <coughs> मगर इसमें एक पॉइंट ये है कि नाइट के साथ हम इन uh, यूज़ कर सकते हैं इन तो उस सेंस में होगा जब आप uh, पूरी रात कोई फॉर uh, एग्जांपल कोई एक्शन uh, है कुछ परफॉर्म है कोई टास्क है जो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट नाइट यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो फिर हम इन द नाइट कर सकते हैं फॉर अ गार्डनर अ चौकीदार वैक्स हॉल इन द नाइट वैक्स इन द नाइट तो फिर हम इन uh, यूज़ कर सकते हैं वेन वी आर टाकिंग अबाउट द लार्जर टाइम ऑफ पार्ट ऑफ टाइम इन द नाइट अदरवाइज अगर हम पार्टिकुलर शॉर्ट टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे या लिखते हैं तो फिर हम उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे एट नाइट तो देखें जिस भी पार्ट ऑफ टाइम के साथ इन यूज़ होगा तो उसके साथ पार्टिकल द यूज़ होगा ड्यूरिंग द नाइट तो हम ड्यूरिंग के साथ भी द यूज़ करेंगे और एडजेक्टिव है फॉर एग्जांपल इट वाज अ वेरी और इट वाज अ टेरेबल नाइट तो फिर हमने टेरेबल नाइट टेरेबल एडजेक्टिव है और उसके साथ हमने अ आर्टिकल यूज़ किया है इनडेफिनेट आर्टिकल तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट द पार्ट्स ऑफ डे के साथ कौन से प्रिपोशन यूज़ होते हैं और कौन से आर्टिकल यूज़ होते हैं